जी हम असल से लाइव जुड़ चुके संजय, आशा कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, सीएम का घेराव करने के लिए पहुंच गए, लेकिन सीएमएचओ ने एक बड़ा एक्शन भी लिया है। उसमें ग्वालियर में एक महाकुंभ का आयोजन किया गया था, उस दौरान एक सैकड़ा से ज्यादा आशा उषा कार्यकर्ता सीएम के धरना सीएम के अंबेडकर महाकुंभ में पहुंचे थे। और जब सीएम वहां से निकल रहे थे उस समय सीएम के काफिला रोककर उन्होंने प्रदर्शन किया था। हालांकि उस समय तत्काल प्रभाव से प्रशासन ने जो है 50 आशा उषा कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की थी, लेकिन अब चूंकि जब पूरी जांच हो गई है कौन कौन कार्यकर्ता इसमें शामिल था, किस किस ने सीएम का काफिला रोका और कौन न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, इसके चलते जो है 22 आशा उषा कार्यकर्ताओं को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त कर दिया गया है, बर्खास्त कर दिया गया है। हालांकि जो तमाम सारे आशा उषा कार्यकर्ता हैं जो अपनी मांगे दोहरा रही है, लगातार मानदेय बढ़ाने समय तमाम सारी मांगे जो कर रही है सरकार से, उस समय अभी तक सरकार ने इस तरफ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। वही भूलभाल पर भी इस तरह की तस्वीरें हमने पहले भी देखी है, जब कार्यकर्ता काफी ज्यादा उग्र हो जाते हैं और प्रदर्शन करते हैं, और उसके बाद जो है कई बार सरकार को ज्ञापन भी सौंपा गया, लेकिन उसके बावजूद अभी तक उनकी समस्या का हल नहीं निकल कर सामने आया, और यही कारण है कि कार्यकर्ताओं को ये बड़ा कदम उठाना पड़ा है। शासन और शासन से लगातार गुहार लगाते रहे हैं और कमिश्नर और तमाम सारे प्रशासनिक अधिकारियों से स्थानीय प्रतिनिधियों से लगातार गुहार लगाते रहे हैं कि इतने कम पैसे जो काम नहीं चलता है, 3 से 5 हजार रुपए में नहीं चलता तो मानदेय बढ़ाया जाए, तो ये कहीं ना कहीं उनकी भी पीड़ा यहाँ पर समझ आती है। लेकिन फिलहाल जो है सीएमएचओ ने बड़ा एक्शन लेते हुए जो भाजपा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि जब अंबेडकर महाकुंभ में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, सीएम शिवराज और वीडी शर्मा समेत तमाम सारे जो नेता हैं ग्वालियर चंबल अंचल के भी यहां पर शामिल हुए थे। उस दौरान एक बड़ा जो न्यूसेंस क्रिएट हुआ था, सीएम के काफिले को रोक कर उग्र प्रदर्शन किया था आशा उषा कार्यकर्ताओं ने, तो उस समय जो है एफआईआर भी दर्ज की गई थी, लेकिन अब चूंकि जांच पूरी होने के बाद में बर्खास्त कर दिया गया है। अब देखना ये होगा कि आशा उषा कार्यकर्ता को ये आंदोलन कितनी देर। अच्छा ठीक है, ये भी जानकारी दीजिएगा कि जब सीएमएचओ ने ये बड़ा एक्शन लिया तो बाकी कार्यकर्ताओं का क्या कुछ कहना रहा है इस पूरे एक्शन पर। देखिए उनका दमनकारी कार्रवाई है, क्योंकि शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, केवल ज्ञापन सौंपना था। और ये अभी मौके पर जब हम लोगों ने जब वहां पर मौके पर सीएम ने काफिला अपना रुकवा, जब आशा कार्यकर्ताओं ने गाड़ी घेरी, सीएम की काफिला घेरा, तो उसके बाद में सीएम ने बाकायदा गाड़ी रुकवा कर उनसे ज्ञापन लिया, वो अपने कार्यकर्ता स्थल से रवाना हो गए। तो कहीं ना कहीं सीएम को केवल ज्ञापन देने का मामला था, इसके अलावा आशा उषा कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर कहना है हमारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, हमें केवल सीएम से मिलना था, अपनी बात कह दी थी, हमने बात कह दी, दैट्स ऑल। अब इसके बाद में एफआईआर भी दर्ज की जाती है, उसके बाद में आशा उषा कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की झूमा झटकी भी होती है, और अहम बात यह है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी भी जान उस समय सांसद पे आ गई थी, क्योंकि 100 से 150 आशा उषा कार्यकर्ताओं ने सीएम का काफिला घेर लिया था। तो कहीं ना कहीं सीएम को संजय ऐसे में एक्शन ले लिया गया, बर्खास्तगी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। संजय आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका।